तुम ये कह रहे हो कि मैं कुतुब के घर जाऊं और सरमत के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि वो फैमिली सरमत भाई के लायक है ही नहीं। हाँ, देखा बेटा, सुन ली अपने सपोले भाई की बातें, जिसके लिए तुम अपने सगे बाप से लड़ पड़ते हो। देखा कितना सगा है, पता चल गया ना? हाँ हाँ भाई, न्यू स्नेक ऑफ कफ, मिलो ना यास्तीन के साथ से। हाँ बाबा, आप जैसा बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इतना अब देखो बेबी, नहीं बेटा, सुल्तान मंजूर जो है ना, एक ही अपने नाम का। हाँ भाई 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 भाई, देख लिया देख लिया, मेरी कदर की होती तो। हाँ आ बेटा, आ यहाँ बैठो। अरे हद हो गई, सही तरह ढंग से चीजें नहीं डाल सकते। हाँ बताओ, क्या एतबार नहीं है तुम्हें अपने बाप पर? ऐसी कोई बात नहीं अब्बा। देखो एक बार तजुर्बा कर बैठे हैं ना गैरों में रिश्ता करके। जी क्या हर्ज है इस बार अपनों में आजमा लिया जाए? देखो मैं मानता हूं सरमत की क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन इत्तेहाज का भी ऑप्शन है। मगर अगर तुम्हें दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूं। महा सरमद, इस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है कि सुलझा हुआ फर्मा बरदार बच्चा है, और सबसे बड़ी बात, सारी जिंदगी तुम मेरी निगाहों के सामने रहोगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे फर्मा बरदार बेटी हो माँ। जी अब्बा। तू क्या कर रही है? अच्छा माँ बेटा, ये बताओ कि ये नेहा को उबाल क्यों उठ रहे हैं सरमत के नाम पर? आपको पता तो है इसका पर्सनालिटी क्लैश है आदम के साथ। लेकिन रिश्ता तो सरमत का आया है, मगर अगर वो आदम के लिए भी बात करते नेहा की, फिर भी मैं इनकार नहीं करता। अरे ये आ गया। ये खुली कचहरी किस खुशी में सजा के रखी हुई आपने? भाई तैयारी कर लो, हम शाम को घर जा रहे हैं सुल्तान के हाँ करने। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, वरना नेहा उस्ताद पट्टियां पढ़ाकर तुम्हारे दिमाग खराब कर देगी। मैं लेकिन इस टूटी हुई कमर के साथ कैसे जाऊंगी? जैसे आप डॉक्टर के पास गई थी। अब मेरी तरफ ना देखो, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। जी ए, ए, एक मिनट एक मिनट। हाँ बेटा अभी भी सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती वाला सीन नहीं है। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर। सबसे प्यारी बेटी है मेरी, चल शाम। तीसें उठ रही हैं।